अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टिपटॉप वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुबैर सुलेमान। नाजरीन, हमारी पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था आपको थाईलैंड के हवाले से एक गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ ये थी कि थाईलैंड जुलाई में विजिटर वीज़ा का आगाज़ कर रहा है। और विजिटर वीज़ा के साथ साथ मैंने आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि आपको किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी थाईलैंड वीज़ा अप्लाई करने के लिए, इसकी फ़ीस क्या होगी, सैलरी पर्सन कैसे कर सकता है और बिजनेस पर्सन कैसे कर सकता है। तो टॉपिक में जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाज़रीन, बिजनेस पर्सन के लिए मैं पहले बताता हूँ कि बिजनेस पर्सन इसकी जो थाईलैंड की वीज़ा फ़ीस है वो 4,000 रुपये पाकिस्तानी, और बिजनेस पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपने एप्लीकेशन फिल करनी है और आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ से ज़्यादा हो। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपके NTN चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और तकरीबन 12 माह की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, उसके साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं। और सैलरी पर्सन जो हजरात हैं जो जाना चाहते हैं थाईलैंड, उनके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो 12 माह की बैंक स्टेटमेंट, और इसके अलावा आपको मेंटेनेंस लेटर, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक का, और ऑनलाइन जो आपने फॉर्म फिल करना है थाईलैंड का। इसके अलावा अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आपको ज़रूरत होगी अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो कि आपके बच्चों के साथ हो, और अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो आपकी वाइफ के साथ जो आपका FRC होगा वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, सैलरी स्लिप आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनकी चाहिए होगी, और वो भी आपकी कम से कम 3 से 4 माह की सैलरी स्लिप हो। अगर आप कैश में वसूल करते हैं तो वो आपने डिटेल बतानी है उनको, अदरवाइज अगर आप उनसे बैंक के थ्रू सैलरी ले रहे हैं तो आपने वो डिटेल बताना है। आई होप मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।